वेलकम टू माय चैनल हर कोई शेफ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कम समय में फटाफट से जल्दी से कैसे कलाकंद बना सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप दूध ले लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 150 ग्राम मावा। मावा के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, आप कम ज़्यादा जैसा खाते हैं उतना चीनी डालना है। और ये थोड़ा सा जब पक जाए, लगभग थोड़ा सा घुल जाए, थोड़ा घुल जाने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस इसमें डालेंगे ताकि थोड़ा इसका टेक्सचर कलाकंद की तरह आ जाए। इसके बाद यहाँ पे एक प्लेट मैंने ले लिया है, उस पर ऑयल पहले से लगा दिया है, वो प्लेट रेडी करके रखा है। अब इसको थोड़ा तब तक भुनेंगे जब तक ये थोड़ा पेस्ट की तरह नहीं बन जाता। तो ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये लगभग अच्छे से जमने वाला रेडी हो चुका है। तो इसको इस घी लगे हुए प्लेट पे हम निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हाथों से थोड़ा सेट कर देंगे और सेट करने के बाद इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये फ्रिज में ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके पीसेस अच्छे से कट कर पाएंगे और ये प्रॉपर अच्छे से निकल आएगा। तो ये देखिए हुआ ना झटपट से बनकर रेडी। तो आप भी फटाफट से इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।